आफ्टरनून दिल्ली, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप बढ़िया होंगे। सुबह के बज चुके हैं 6:15 और हम निकल चुके हैं चांदनी चौक की ओर। तो आज मेरे साथ मेरा एक को राइडर भी है। हमने इनकी साइकिल अभी कुछ दिन पहले ही ली है, सेकेंड हैंड साइकिल ली थी रेडी करके। आज हमारी मेरी फर्स्ट राइड में मेरे साथ जा रहे हैं। सो ही इज़ जसविंदर सिंह। इनके मोटो ब्लॉग्स आते हैं, हीरो ऑल्सो ब्लॉगर। बढ़िया मोटो बाइक्स पे, स्पोर्ट्स बाइक्स पे जाते हैं, तो ले लद्दाख की और। सो ही इज़ बाइकर बेसिकली। वो एक फंडा कहते हैं ना कि रिसाइकिलिंग क्या होती है। पहले इंसान साइकिल चलाता है, फिर बाइक लेता है, बाइक लेने के बाद फिर से कार पे आता है, कार के बाद दोबारा साइकिल पे आ जाता है। तो इनके साथ वो सीन हो रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे धौला कुआं, और यहाँ पर आगे बस मैं वीर जी का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा उनकी फर्स्ट राइड है तो स्लो आने वाले हैं। वो आ गए धीरे धीरे, आई थिंक ही नीड रेस्ट नाउ। फर्स्ट राइड मजे लाते हुए। मेरी राइड आज थोड़ी सी स्लो रह रही है, बिकॉज मैं वीर जी की स्पीड के हिसाब से चल रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे मैं भी राइट ना व्लॉगिंग कर रहा हूँ ना, ये मेरे लिए रिस्की है। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो आज की राइड पे ना मेरे को बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है, क्योंकि वीर जी के साथ ना मेरे को धीरे धीरे आना पड़ रहा है। उनकी फर्स्ट राइड है तो फिर मेरे को उनके स्पीड के हिसाब से चलना पड़ रहा है, सो दैट हम एक साथ राइड कर सकें। वापसी में आते हुए इनसे पूछेंगे आज इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि जब मैंने पहली बार चलाई थी तो मैं काफ़ी डीमोटिवेटेड भी था, क्योंकि पहली बार इतना लंबा साइकिल चलाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। इट्स नॉट ए ईजी, जिसको कहते हैं ना यार तुम तो साइकिल ही चलाते हो, क्या करते हो, कहना बहुत आसान है। मुझे कुछ लोग यहाँ पे टॉन्ट भी मार देते हैं, साइकिल के तरह सिर पे चढ़ गया क्या चला चला के, तो हाँ भाई चढ़ जाती है। अगर तुम लोगों को ये गांजा गुंजा चढ़ता है ना तो हमको साइकिलें चढ़ जाती हैं। और ये वाली अब मैं वॉइस कटिंग नहीं करने वाला, ये मैंने डाली है ना तो किसी को सुनाने के लिए डाली है। ये आ गया हमारा मिंटो रोड, यहाँ से मिंटो रोड से हम लेफ्ट मारेंगे। लाल किला के बाहर लगा हुआ है यहाँ पे मेला। अभी हम उस रोड पे हैं जिस रोड पे चोरी का सामान मिलता है, चोर बाजार। तो हमारी राइट साइड पर है ये यहाँ पे लाल किला, और इधर है चांदनी चौक गुरुद्वारा। तो हम जा रहे हैं अभी गुरुद्वारा से। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय को राइडर। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं हम, आए आज सीसगंज साहिब गुरुद्वारा। बज चुके हैं सुबह के 8 यहाँ पर, और हम वापस की ओर जा रहे हैं घर की ओर। और अभी ब्रेकफास्ट करना है, और आज ना आते हुए हमारे साथ दो हादसे होते होते बचे हैं, जो मैं अनफॉर्चुनेटली दोनों के दोनों ही रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि कैमरा मेरा ऑफ था। अगर कैमरा ऑन होता तो डेफिनेटली रिकॉर्ड होना था। एक तो आज हमारा एक बस वाला था, जैसे ही आया देखो बस, वो इससे भी गंदा था। वो हमें जानबूझ के हमको सड़क के एक साइड पे दबा के गया,
बोला तो थोड़ा सा हरियाणा में अपनी जाट बुद्धि दिखा रहा था अपनी। तो भाई आंटी 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 आज भाई पता नहीं क्या हो रखा है। ये हमारा तीसरा हादसा आपके सामने, और दूसरा भी एक बुलेट वाला था, बिना देखे उसने यू टर्न मार लिया, तो जो मेरे साथ दूसरा राइडर है वो गिर गए। तो फिर आगे से हमको कह रहा है कि क्या मैं अपनी गलती मानूं। मैंने कहा अच्छे से मान लेगा तो बहुत बढ़िया है। फिर वहाँ पे थोड़ी सी जो पब्लिक इकट्ठी हो गई, तो उन्होंने बोला हाँ भाई तुम्हारी गलती है, और शर्मिंदा सा होकर उसको जाना पड़ा। और तीसरा हादसा आपके सामने, जो भी आंटी बीच में नाचने शुरू हो गई थी। वैसे तो साइकिल है, चलो हम निकल सकते हैं, बट आई विल से जहाँ पे आपको लगे कि रूल फॉलो करना चाहिए आपको कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर रुक के लेट मी डिसाइड कि हमको जाना कहाँ पर है। तो मैंने तो बदतमीजी कर ली है, चौक पे निकल कर आ गया हूँ मैं, लेकिन आई थिंक मेरा राइडर वहीं पर हेडलाइट पर रुक गया है, सो आई नीड टू वेट फॉर हिम। और फिर हम जिस देख भाई स्नीजिंग करिए, बम फोड़ा है। मेरे को ये बताओ खाना पीना कहाँ है? दो ऑप्शन है, या तो इतने इंडिया गेट के कोल मैसूर कैफे है, ठीक है, वो तो साउथ इंडियन है सारा, तो या फिर जैन चावल मैसूर कैफे ना। सो हम जा रहे हैं यहाँ से अभी मैसूर कैफे, वहाँ जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। लास्ट टाइम भी मैं वहीं पे गया था, तो आई लाइक द फूड। लेट मी चेक यहाँ से कितनी दूर है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है सारा मैसूर कैफे, विच इज़ फर्स्ट लेफ्ट, सीधा सीधा आओ सर, आओ आओ आप आ जाओ, हमारी तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है ना। आ जाओ कि आ जाओ, लेफ्ट मुड़ना है। सो मिलते हैं आपको मैसूर कैफे जाकर। अब दसो जी कैसा है रिव्यू, क्या चल रहा है, हाउ यूर फीलिंग? पहले भी कीती होगी डेफिनेटली, दिस इज समथिंग नॉट न्यू। नहीं कीती, फर्स्ट टाइम है। चलो फिर रिव्यू बोलो अपने, की फील कर रहे हो, कितने कितने चीका निकल रही कहते तशरीफ का टोकरा भूल गया क्या ही बात है और किन्नी वारी रस्ते ठुकदे हो बजे, ऐ बोलो पहले। दो वारी, एक ते बस दा सीगा, तीन वारी एक जबरदस्ती करदा सीगा, वो घर ही जा सी धक्का। एक ते बस वाला, दूजा वो बुलेट वाला, तीसरा केड़ा केड़ा हीरो वाला। अच्छा है जेड़ा रुके से के आ गए बच गए, मेरे तले आंटी आन लगी थी बच गई। मैं आंटी चीका, आंटी 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 आंटी, अरे ये देख ये तो मंगी भी नहीं थी। नहीं और की तो नहीं है भाई, मैंने तो मांगी नहीं भाई, हमारी है, मैंने तो मांगी नहीं। हाँ नहीं 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 नहीं, हमने इडली और एक डोसा बोला है बस, अभी कॉफी बोली नहीं है, बोलेंगे भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कॉफी तो खुद ही पी ले यार। और बोलो मजा भी आया, और तुम पार्टी में उड़ रही हो, चलो वापसी कितो कितो चला के जानी है भाई। इडली है क्या ये? इडला भाई, इडली नहीं आई है, इडला आया ये। हेलो भाजी, छको जिसम धूप भी बहुत ज़्यादा हो रखी है, और मुझे एक्चुअली ऑफिस भी जाना, और मैं सोया भी नहीं हूँ, दैट इज़ बिकमिंग चैलेंज फॉर मी। या तो ऑफिस में सोऊंगा जाके मैं। मैनेजर कहेगा उठो है।
यार ये आइडिया वैसे बढ़िया है, आई टेक अ ट्रेनिंग देन बुक अ मीटिंग रूम देन सो जाओ। नाइस आइडिया, मेरे मैनेजर ही ब्लॉग देखता है बाय द वे। जिम्मी सर ये मैं नहीं करने वाला हूँ, बस यही पे बातें हो रही है, टेंशन ही लेने का। सो हम खा पी के यहाँ पे हो चुके हैं, मस्त सिस्टम, ये बिल्कुल भी साइकिल चलाने के मूड में नहीं है, रिक्शे ते पहिए है ना, ऑटो रिक्शे ते पहिए साइकिल चला के जानी है, वो भी ऑटो चलाएगा ही। ऑटो ने ऑटो चलाना है, साइकिल तो सी चलानी है। हुण ऐ ना कहना मैं बैग के उत्ते विच बैग के पुट्ठा चलांदा रहूंगा, पुट्ठे बह जाएंगे तो पुट्ठी लत्त मार दे रहोगे, है ना, कोई नहीं तो ला के जानी है घर, हुण सीधे सीधे रस्ते ही। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਾਤ ਸੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈਗਾ, ਕੀਰਤਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨ, ਲੱਤਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਸੋ ਹਮ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਅਭੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਕੀ, ਔਰ ਧੁੱਪ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੀ।